भूल गए थे रास्ता, पहले वाले जो ब्लॉग में आपने देखा हम जा रहे थे क्लिपरी किले के लिए तो रास्ता भूल गए थे। अब हम बिल्कुल राइट पाथ पे चले हैं और अब हम आपको दिखाएंगे जरूर अपना क्लिपरी किला। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी ज्यादा पुराना किला है और इसकी हमें पहला निशाना हमें मिल चुका है कि यहीं से है रास्ता। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में काम किया होगा काफ़ी हजार साल पहले, 100 सालों पहले। यहाँ देख सकते हैं आप थोड़े पत्थर अब थोड़े ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पे गिरने गुरने के भी चांस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ का नाम है क्लिपरीगढ़। क्लिपरीगढ़ हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। मुशक्क़त करने के बाद मुझे लगता है पहले यहाँ पे हमारे को रेस्ट करना होगा, मुझे बैठने की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चिनाई की पत्थरों की बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही पुरानी है। और जो ये हमारा जो ये किला है, जैसे कि क्लिपरी जो गढ़ है, ये यहाँ पे किला जो था, यहाँ पे अब तो कुछ नहीं है बचा हुआ क्योंकि सारे पत्थर वगैरह यहाँ पे गिर गए हैं यहाँ पे। और कुछ तो था यहाँ पे बना हुआ क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ऐसा। और ये बिल्कुल इसके चारों साइड बहुत ही ख़तरनाक है, आप ये पाँव भी नहीं रख सकते। कुछ यहाँ पे बनाया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बनाया ज़रूर गया था। यहाँ पे राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए कुछ था यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा है वैसे, आगे तक है काफ़ी आगे, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ था ऐसा ज़रूर है। और मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे सांप या कुछ तो निकलता ज़रूर है, बड़े बड़े निकलते काफ़ी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी दीवारें दी गई हैं, इतनी पुरानी दीवारें, मतलब बिल्कुल चारों साइड यहाँ पे खतरा है और बीच में दीवारें बनाई हुई है। जाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे चारों खतरा बहुत, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बना जरूर था यहाँ पे, ये तो कन्फर्म है यहाँ पे है कुछ। अब काफ़ी देखो यहाँ पे भी था कुछ। फ्रेंड जैसे हम यहाँ पे घूमने आए, काफ़ी और लोग भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ का जो रास्ता है ना बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पे ले जाने के लिए बहुत ही मुश्किल से रास्ता ढूंढना होता है क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा है नीचे से बिल्कुल यहाँ आने के लिए, लेकिन ऊपर जो है गढ़ काफ़ी बड़ा है। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ बना हुआ है, मैंने देखा था एक बार बहुत पहले भी, आए थे अपने परिवार के साथ कभी यहाँ पे। तो फ्रेंड आप देखते हैं यहाँ बहुत बड़ा कुआं है, कुछ तो था इस। यहाँ से नीचे ना बहुत ही खतरनाक वाली खाई है, बहुत ही डेंजर वाली, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते साइड में। और यहाँ ऊपर ना कुछ बहुत ही ज़बरदस्त वाला बना हुआ है, क्या बना ये नहीं पता। बंद यहाँ पे तो भाई बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ तो बना जरूर था जब एक किला था। यहाँ पे देखो अभी भी कुछ बचा हुआ है, चिनाई बची हुई है पत्थर की। तो फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया है वैसे इसका, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बना था, जैसे कमरा या कुछ बिल्डिंग टाइप पुरानी टाइप जो होती है वो बनी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं आप इतने सारे पत्थर, और ये पत्थर जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब बनाए गए हैं। और बिल्कुल ज़बरदस्त वाली दीवार देख सकते हैं आप, ये दीवार है जो प्राचीन दीवार है ये, जैसे मतलब प्राचीन जो होते थे पुराने वाले इंजीनियर जैसे होते हैं उनके टाइप के, और ये उन्होंने कुछ यहाँ पे बनाया था। देख सकते हैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो कमरे थे, और जो ये हमारा किला है यहाँ पे क्लिपरीगढ़ का जो किला है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ दो कमरे तो पक्का थे, 100% थे यहाँ पे कमरे। और साथ में यहाँ पे कुआं है, शायद उनके लिए पानी रखने के लिए था या किसी चीज़ के लिए था, किसी सामान रखने के लिए। तो बेहतरीन जगह बनाई गई थी उन्होंने अपने टाइम पे यहाँ पे बनाया था। और आप ये दो दीवार देख रहे हैं, ये लास्ट दीवार है, इसके नीचे ना बिल्कुल ढंकार है, आप इसके इस साइड बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ा जो था, सबसे बड़ा यही था जो भी था, या राजा या मंत्री जो भी यहाँ बैठते थे उनके लिए यहाँ था बैठने के लिए। और एक बहुत ही ज़बरदस्त वाली चिनाई की गई थी यहाँ पे, और अब तो ये बिल्कुल बिखर चुके हैं। क्लिपरीगढ़ है इसका नाम, ये बहुत ही बड़ा गढ़ था उस टाइम का हमारे एरिया में, पूरे सिराज का मंडी का ही गढ़ था ये, और तभी इसका नाम हमारे एरिया का क्लिपरीगढ़ पड़ता है। और यहाँ भी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तीन कमरे थे जो प्राचीन काल में किसी ने बनाए थे, यहाँ पे बेहतरीन कमरे बनाए गए थे। और यहाँ पे देख सकते आप ये थोड़े बड़े वाले कमरे थे, ऐसा लगता है यहाँ पे तो जो राजा या मंत्री, राजा लगता है मुझे जो भी, यहाँ पे बैठते थे शायद, यहाँ पे रहते थे, ये जो है मेन जगह है।
लेकिन इसके पिछली जो साइड है वाली जितनी भी एरिया है बिल्कुल भी यहाँ पे आप नहीं जा सकते, ये बेहद ही ख़तरनाक जगह है फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग जगह थी, हमें यहाँ आने का बहुत ही ज़्यादा शौक था कि यहाँ आना है, क्या हुआ था यहाँ और क्या है इस किले में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमरे थे, ऐसा लग रहा काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते थे और बहुत ही बढ़िया जगह है। लेकिन अब ये पूरी तरह से ढल चुका है, यहाँ पे गिर चुका है, काफ़ी पुराना था। और ये हमारा क्लिपरीगढ़ मंडी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी भी क्लिपरीगढ़। यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लगता है कि ये दीवार जो है बीच में डिफरेंस रखा गया है, हर कमरे में इनमें गैप है, ये अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, ये कमरा अलग, ये अलग था। देखो ये वाला जो कमरा है यहाँ से इधर को है और यहीं से एक अलग वाली दीवार खड़ी करके इस साइड को एक और कमरा बना दिया गया और बेहतरीन। और नीचे भी कुछ था ज़रूर, ये लास्ट पॉइंट में भी था कुछ। तो फ्रेंड्स जो ये किले बनाते हैं ऐसे पत्थरों चारों साइड, मतलब ढंकार ही बहुत खतरनाक जगह होती है चारों साइड, तो इसलिए बनाते थे क्योंकि जो प्राचीन काल में होता था युद्ध होते थे जैसे, तो दूसरा राजा अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ पे क्योंकि आना उससे नीचे से पड़ेगा। तो अगर नीचे से आएंगे तो हम जो यहाँ जो होंगे लोग वो यहाँ से अटैक कर देंगे उनके लिए, तो यहाँ कोई ख़तरा नहीं होता था उस टाइम, तो इसलिए ये ऐसी जगह बनाते थे। और यहाँ पे ऐसे दो कुएँ हैं, लगता है पानी के थे, उनके लिए पीने के लिए थे, बेहतरीन कुएँ बनाए गए थे। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, लगता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ख़ास बात हमें किसी लोगों ने बताई थी कि यहाँ पे जो है कि अगर कोई खुदाई करेगा इस एरिया में, अगर कोई बंदा आएगा जैसे कि ढूंढेगा कि पता नहीं राजा का कुछ तो बचा तो नहीं है, इसमें जाना तो नहीं है अंदर, तो बताया जाता है कि यहाँ पे उनके लिए सांप निकल जाते हैं, तो सांप छोड़ते नहीं फिर इंसानों को। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट जरूर करेंगे हमारे, लेकिन यहाँ था बहुत कुछ, ये तो आप श्योर कर लीजिए हमारे से। और ये तो श्योर क्या करना है, ये तो पहले से ही कागजों में लिखा है कि क्लिपरीगढ़ है, तो ये तो फेमस है ही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में, सबसे बड़ी एक्साइटेड बात यह है कि इतना ऊपर कुआं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ से ये पानी के कोई स्रोत ही नहीं, लेकिन यहाँ पे पानी है और पानी आप पीने लायक तो शायद ही होगा क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा गंदा पानी लग रहा है, लेकिन यहाँ पानी ज़रूर है। मुझे लगता है इस टाइम का कुआं था, वो कुएँ बनाते थे शायद अपने लिए, फिर उसमें पानी स्टोर करेंगे पीने के लिए, या कुछ तो था यहाँ पे ऐसा ही कुएँ। यहाँ पे पीछे भी है दो कुएँ यहाँ पे, और उसमें भी थोड़ा बहुत पानी है, इसमें ज़्यादा है। ये खतरों से खाली नहीं है जगह, बहुत ही खतरनाक जगह है यहाँ पे। अब हमें एक और इसी में एक और जगह मिल गई है, हमें कोई नॉलेज नहीं था यहाँ का, लेकिन हमें यहाँ मिल गया कुछ। और ये था बिल्कुल ही एंड पॉइंट है इसका, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है भाई, यहाँ से देखेंगे तो चक्कर आ सकता है आपको। वो ये लास्ट पॉइंट था राजा की, ये जो हमारे यहाँ का गढ़ है इसका, मुझे लगता है तो ये डल चुका है, क्या यहाँ पे क्या बना था इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे कमरा या कुछ तो था, यहाँ पे बैठने के लिए कुछ था यहाँ पे नीचे। अब आप टॉप में ऊपर से आपको दिखा नहीं पाएंगे नहीं इसमें बना क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपकी ये देख सकते दीवार बनी है यहाँ पे, पता नहीं कितनी साल पुरानी है दीवार। महल का जो ये वाला कमरा था शायद लास्ट वाला कमरा, थोड़ा खुफिया वाला कमरा बिल्कुल लास्ट में है। और यहाँ पे एक और कुआं मिल गया हमारे को, तो फ्रेंड्स जो हम बता रहे थे और कुआं मिला है, ये कुआं तो दब चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई निशान है थोड़े बहुत ही, लेकिन यार यहाँ पे बहुत कुछ बना था, क्या बना था इसका कोई आइडिया नहीं रहा क्योंकि ढल चुका है सारा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग जगह है, ये इतने सारे पत्थर यहाँ लाए फिर यहाँ पे बिल्डिंगें बना दी उन्होंने, महल बना दिए, राजा के महल बन गए हैं यहाँ पे, लेकिन अब तो ये ढल गए सारे। दूसरा पार्ट है वहाँ पे देवता भी है बना हुआ, तो उस साइड भी हम जाएंगे, देखते हैं क्या है वहाँ पे, कुछ तो है वहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स हमने आपको इसका पार्ट वन दिखा दिया, अभी इसमें मुझे लगता है इसका पार्ट टू भी है, यहीं पे हम नहीं गए वहाँ पे, अब हम जाएंगे उसी साइड, हम आए थे एक ये वाली साइड में, अब जाएंगे हम दूसरी वाली साइड जहाँ पे इनका पार्ट टू जो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ भी किले में कुछ बना है। तो फ्रेंड्स ये किला दो साइड में बंटा हुआ है, एक साइड में जो हमने आपको दिखाई है, दूसरी साइड आप देखते हैं दीवार है, खतरा है इसमें काफ़ी ज़्यादा, छुएंगे तो गिर भी सकते हैं, पुरानी है ना काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है इस साइड भी काफ़ी था, ये जो दीवार थी ये शायद सैनिकों ने जो अटैक करने के लिए यहाँ इस साइड को रखा हुआ है कुछ। जो ये सेकंड पार्ट वाला जो इस साइड वाला जो किला है इसमें थोड़ा ये है कि काफ़ी ज़्यादा डल गया है, तो सेकंड पार्ट वाला जो किला है काफ़ी ज़्यादा डल गया है, यहाँ पे जो दीवारें हैं बिल्कुल गिरने वाली है, छुएंगे तो गिर सकती हैं जाके, और ऊपर देवता भी है इसमें, जहाँ पे देवता मुझे लगता है यहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे। दीवार दी गई है, मुझे लगता है ये दीवार थी सुरक्षा के लिए, होती है ना एक सुरक्षा उस टाइम होती थी, किसी दूसरे अटैक करेंगे तो उसके लिए सुरक्षा थी ये दीवार, यहाँ पे काफ़ी बड़ी है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा पत्थर है और उसके ऊपर एक देवता है,
इस टाइम का ये काफ़ी 100 साल पुराना दोस्त था, 200 साल पुराना है। तो फ्रेंड मैंने सोचा शायद यहाँ पे रास्ता नहीं होगा वहाँ जाने के लिए, ऊपर जो हम जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे रास्ता है, हम ऊपर देवता के पास जा सकते हैं। ये जो किले का जो पार्ट टू है ना, ये पार्ट वन से थोड़ा डेंजर है ज़्यादा ही, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे बना हुआ। दीवार है ना, छुएंगे तो गिर सकती है कभी भी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ये नाजुक है बहुत ही। और यहाँ ऊपर टॉप में कुछ बना है बहुत ही ज़बरदस्त, पत्थरों के भर भर के ना ऊपर इन्होंने कुछ बनाया था बहुत सारा। यहाँ पे भी कुछ महल का था, कुछ पहाड़ था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है देवता भी, उनके जय हो, रक्षा करे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा देवता भी है बना हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी खाई है। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा क्लिपरी किला बना है, ये जो वाला यहाँ पे कुछ बना था, मतलब ये बिल्कुल टॉप में बना है पत्थर के ऊपर, पत्थर के इधर उधर दोनों साइड है ढकार और बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे बनाया गया था कुछ। यहाँ पे उनका देवता भी है, उस जमाने का ये है। यहाँ पे हम अभी खड़े हैं ना, ये गिर भी सकता है क्योंकि इसमें चारों साइड पत्थर जा रहे हैं, नीचे ऊपर जा रहे हैं। और कुछ तो था यहाँ पे बनाया गया राजा द्वारा, या कोई मीटिंग होती है उनकी, या तो कुछ था यहाँ पे। तो धुंध आ गई ना, कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। सामने भी एक कमरा था बना हुआ लग रहा है, ये कोई था राजा का कुछ बना हुआ, लेकिन वहाँ थोड़ा दूर है, थोड़ा जाना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स हम आए थे आज क्लिपरी गढ़ में, और क्लिपरी गढ़ में जो बना हुआ किला एक बहुत ही बेहतरीन किला बना है। लेकिन यहाँ से आगे ना जो मैं अभी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ नहीं जाने को है, बहुत ही खतरनाक यहाँ पे और बहुत ही डेंजरस जगह है। ये राजाओं ने कैसे बनाया होगा यहाँ पे, कैसे कंस्ट्रक्शन की होगी, इसका कोई आइडिया है नहीं हमारे को। पत्थर में तो मैं एक बार बैठूं, यहाँ पे मेरा बैठने का मन कर रहा है, चाहे मैं गिर क्यों ना जाऊं, लेकिन क्लिपरी गढ़ के इस पत्थर में जरूर बैठूंगा। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा है भाई। फ्रेंड यहाँ पे पत्थर है, ऐसा लगता है कि काटा हुआ पत्थर, ये बैठने के लिए कुछ बनाया है यहाँ पे, और अच्छा है बेहतरीन। यहाँ से नेक्स्ट तो ना सामने ही है एक और, यहाँ पे कुछ बनाया गया था महल का कुछ कमरा था शायद, वो ये जो कमरा है रास्ता ही नहीं है यहाँ के लिए, मतलब इतना डेंजर जगह बनाया ना, या तो यहाँ से अटैक करते थे या कुछ तो करते जरूर थे वो, इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बना जरूर था कुछ ना कुछ। और एक बेहतरीन जगह पे आज आए हम भाई, बहुत खुशी हुई हमारे को ना, दोनों आए हम। आज हमारा प्लान था कि हमने आना है, और प्लान सक्सेसफुल, थक थक के हो चुके हैं, बुरे हाल हमारे। धुंध ने ना आज थोड़ा हमारा मूड ऑफ कर दिया, लेकिन चलो दिखाने की कोशिश हमने किया पूरी आपको, कि हम आपको पूरा दिखा पाएँ, बिल्कुल पूरा दिखा पाएँ। लेकिन ये कमरा हमारे छूट गया जो महल का था, वो हमारे सामने अभी, क्योंकि यहाँ पे जाना ही मुश्किल है हमारे लिए। तो भाई साहब उन्होंने तो रखा था कुछ बना के यहाँ पे, अब तो यहाँ है नहीं, गिर गया होगा तो यहाँ जा नहीं पाएंगे हम। शायद ये जो जगह थी यहाँ से अटैक करते थे दूसरे वाले दुश्मनों के लिए, नीचे के लिए, सब हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है। अब तो फ्रेंड्स आ जाए थे हम क्लिपरी किले में यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर जगह पे आए थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को फैला दो भाई, फैला दो, लव यू।